चलो आज बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर आपने कम एज में ही दाढ़ी की सेविंग कर ली है, फिर दाढ़ी के बालों को काट लिया है, तो इससे आपको कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है और आगे आपको क्या करना चाहिए, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मुझसे बात करने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पे फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं और आप आपकी सारी प्रॉब्लम्स भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। बहुत से आजकल जो यंगस्टर बच्चे जो मेच्योर हो रहे हैं, उनकी भी अच्छी ग्रोथ हो रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं दाढ़ी की सेविंग कर लेते हैं, ट्रिमिंग कर लेते हैं, काट लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। उनको पता नहीं होता कि बाद में क्या होने वाला है उनके साथ या उनकी दाढ़ी के बालों के साथ। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। देखो, ये आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप बीएड ग्रोथ करें या फिर आप बीएड को रिमूव करें। तो अगर आपने एक बार दाढ़ी की सेविंग कर ली है, इसके बाद फिर आपके हाथ में दाढ़ी नहीं रहती। दाढ़ी 101% ग्रोथ होती है अगर आपने जिलेट गार्ड, ब्लेड, ये ट्रिमर, या आपने रिमूव करने के लिए कुछ भी दाढ़ी की छेड़खानी की है, तो फिर आपकी बी एड की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, तेज हो जाएगी। आप मेच्योर हो जाते हैं, आपके हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हैं बी एड के ऊपर, तो फिर आपके हाथ में बहुत कम बी एड की जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपके हाथ में रह जाती है। फिर बात यह आती है, अगर आप रिमूव करना चाहते हो या आप बैलेंस करना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो आपकी बी एड के एज को, तो आपको आपकी दाढ़ी का हाथ भी नहीं लगाना है। आपको ब्लेड से नहीं काटना, आपको कुछ नहीं करना। जब तक आपकी दाढ़ी बढ़ रही है तब तक आप उसको बढ़ने दें। अगर आपने कैंची से सेविंग की, ट्रिमर किया, कुछ भी किया, तो फिर उसकी ग्रोथ और ज़्यादा होने लग जाती है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन यही रहता है कि जो पहली बार सेविंग करता है, काटता है, कुछ भी करता है, फिर उसके बाद ग्रोथ बढ़ जाती है, तो आप उसको सेट करके रख सकते हो। आप अगर ये चाहते हो कि आप उसकी ग्रोथ कम करें या उनको रिमूव करें, तो ये तो होना इम्पॉसिबल होता है। बहुत सारे वीडियो मैंने भी बनाए हैं कि बीएड को रिमूव कैसे कर सकते हैं, बैलेंस कैसे कर सकते हैं, आपको भी यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर आपने दाढ़ी की छेड़खानी की, क्योंकि बाल बढ़ते हैं, बाल कम नहीं होते, चाहे आप सर के बाल काट लें, चाहे आप दाढ़ी के बाल काट लें, आप नाखून काट लें, तो वो नेचुरली ग्रोथ होते हैं। तो ये आपके हाथ में रहता है, आपके हाथ में ये रहता है कि आप उसको कैसे बैलेंस कर सकते हो, कैसे सेट कर सकते हो, कैसे ग्रोथ कर सकते हो, कैसे रिमूव कर सकते हो, कंटिन्यू वो आते रहेंगे। अगर आप परमानेंट बीएड रिमूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लेज़र हेयर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसकी भी 100% कोई गारंटी नहीं होती। अगर आप बच्चे हैं, आप स्कूल लाइफ में हैं और ये गलती आपने कर ली है, तो आप केयरफुली हो जाए, आप दाढ़ी को ट्रिम करके रखें, सेट करके रखें, दाढ़ी की ज़्यादा छेड़खानी ना करें। सेविंग तो बिल्कुल ना करें अगर आपको दाढ़ी नहीं बढ़ानी है, और अगर आपको दाढ़ी बढ़ानी है, ज़्यादा ग्रोथ करनी है, तो फिर आप हफ्ते में एक बार सेविंग कर सकते हैं, आपकी पूरी प्रॉपर काली गली मोटी बीएड आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को अच्छे से समझे होंगे, आपने आपकी प्रॉब्लम्स भी इस वीडियो में लेके आए होंगे, कौन सी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा हूँ और इसका सॉल्यूशन क्या है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू अगेन।